व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में अभी भी वेगनर ही घूम रहा है। वेगनर चीफ की बगावत पुतिन भुला ही नहीं पा रहे। अब एक खबर इंटरनेशनल अखबारों में सुर्खियां बटोर रही है। खबर क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल रूस की खुफिया एजेंसियों ने वेगनर चीफ प्रिगोजिन को मारने का आदेश जारी कर दिया है और इस खबर ने ज़ेलेंस्की और बाइडेन के कैंप में भी काफी ज्यादा बेचैनी फैला दी है। पुतिन ने अगर कमिटमेंट कर दिया तो फिर पुतिन को कोई रोक ही नहीं सकता। पुतिन के जिगरी दोस्त भी पुतिन को नहीं समझा सकते हैं। दरअसल वैगनर चीफ के लिए खबर बहुत बुरी है। वैगनर चीफ ने पुतिन के खिलाफ विद्रोह किया था और अब कई देशों की खुफिया एजेंसियां ये दावा कर रही हैं कि पुतिन वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत की खबर सुनने का इंतजार बहुत बेसब्री से कर रहे हैं। वैगनर और पुतिन के रिश्ते पर यूक्रेन के खुफिया विभाग से एक ऐसी सूचना सामने आई है जिसने वैगनर और उसके सारे करीबियों के होश उड़ा दिए हैं। सवाल ये है कि आखिर पुतिन ने वैगनर पर क्या नया आदेश दिया है। पुतिन के करीबी और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है। ये एक ऐसा बयान है जिसने वैगनर चीफ को बहुत ज्यादा डरा दिया है। पुतिन के कैंप में वैगनर चीफ प्रिगोजिन की तुलना जमीन पर रेंगने वाले कीड़े से की गई है। आखिरकार वैगनर के संबंध में पुतिन के कैंप में पूरी बात क्या हुई ये भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के चौंका देने वाले दावे की। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के प्रमुख मेजर जनरल किरिलो बुडानोव ने एक इंटरव्यू में ये दावा किया है कि ज़ेलेंस्की को पहले ही यूक्रेन के खुफिया विभाग की तरफ से ये जानकारी दे दी गई थी कि वैगनर चीफ प्रिगोजिन बगावत करने जा रहे हैं। पुतिन और प्रिगोजिन के बीच दरार है, ये बात पहले ही ज़ेलेंस्की को बता दी गई थी। दरअसल रूस की सेना ने प्रिगोजिन के साथियों और उनके कैंप पर हमला किया था और यह हमला इसलिए किया गया था क्योंकि वैगनर ने बेहद चालाकी से रोस्तोव शहर पर रूस की आर्मी के संसाधनों पर कब्जा जमा लिया था। इसी के बाद ही रूस की सेना ने प्रिगोजिन के कैंप पर हमले किए थे, जिसके बाद प्रिगोजिन आग बबूला होकर अपने कैंप से बाहर सड़कों पर उतर गया था। बुडानोव से ये सवाल भी पूछा गया था कि आखिर पुतिन ने वैगनर को मॉस्को से जिंदा क्यों जाने दिया। इस पर भी बुडानोव ने ये जवाब दिया कि रूस की सुरक्षा एजेंसी एफएसबी को वैगनर चीफ को मारने का जिम्मा दे दिया गया है। दरअसल पुतिन ने वैगनर चीफ को रोस्तोव में इसलिए नहीं मारा क्योंकि पुतिन और उनके सलाहकारों को लगा कि अगर वैगनर चीफ को रूस के अंदर मार दिया जाता है तो रूस के अंदर मौजूद अति राष्ट्रवादियों का गुस्सा पुतिन के खिलाफ भड़क सकता है। यानी खुफिया समाचार यही है कि पुतिन की टीम वैगनर चीफ का खात्मा करने के लिए सही वक्त की तलाश में है। बुडानोव की ये बातें सही लगती हैं कि जब रोस्तोव की सड़कों पर प्रिगोजिन सामने आया था तो बहुत सारे लोग वैगनर चीफ की जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। बहुत से लोग ऐसे थे जो प्रिगोजिन के साथ एक सेल्फी लेने के लिए बेचैन नजर आ रहे थे। ये सब देखकर पुतिन का गुस्सा और भड़क रहा था और वो एक पल के लिए भी वैगनर चीफ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे।
बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको की तरफ से ये दावा किया गया था कि मॉस्को की तरफ मार्च कर रहे वैगनर चीफ प्रिगोजिन को पुतिन कीड़े की तरह कुचल देना चाहते थे। दरअसल पुतिन प्रिगोजिन को सबक सिखाना चाहते थे और उस पर बड़ा हमला करके उसे बगावत की सजा देना चाहते थे, लेकिन पुतिन के करीबी लुकाशेंको ने बीच बचाव किया और पुतिन को यह समझाया कि अभी वैगनर चीफ को सजा देने का सही वक्त नहीं है। तब पुतिन ने कहा कि आखिर तुम प्रिगोजिन को कैसे समझा सकते हो जबकि वो किसी का भी फोन उठाने को तैयार ही नहीं है। इस पर लुकाशेंको ने यह कहा था कि वो एक बार प्रिगोजिन से संपर्क करने का प्रयास करते हैं। लुकाशेंको ने इसके बाद वैगनर चीफ से संपर्क किया था और तब वैगनर चीफ से बात हुई। लुकाशेंको के मुताबिक वैगनर चीफ से आधे घंटे तक बात हुई थी और पहले तो वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने बगावत करने के लिए माफी मांगी थी, लेकिन बाद में उसने अपशब्दों के साथ रूस के रक्षा मंत्री और उनके करीबियों की बहुत आलोचना की थी। बहरहाल उस वक्त तो किसी तरह वैगनर चीफ को समझाने में लुकाशेंको कामयाब रहे। जब वैगनर चीफ मॉस्को का मार्च खत्म करने को तैयार हो गया तब लुकाशेंको ने पुतिन से बात करके प्रिगोजिन की जान बचा ली, लेकिन ये दावा किया जाता है कि उसके फौरन बाद ही पुतिन ने सही वक्त आने पर प्रिगोजिन को ठिकाने लगाने का हुक्म दे दिया था। वैगनर चीफ भी इस बात को बखूबी जानता है, इसलिए उसने भी अपनी जान बचाने के लिए अपनी सुरक्षा को बढ़ा दिया है। दरअसल प्रिगोजिन के बारे में कई इंटरनेशनल अखबारों में समाचार ये छपा है कि बेलारूस के अंदर प्रिगोजिन एक ऐसे कमरे में रह रहे हैं जहां पर कोई खिड़की नहीं है। वो प्रिगोजिन जो रोस्तोव के अंदर बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था, पुतिन के तख्ता पलट के लिए बयान दे रहा था और रूस के रक्षा मंत्री को भी लगातार धमका रहा था, उसी वैगनर चीफ प्रिगोजिन की हालत इस वक्त काफी पतली हो गई है। वजह यह है कि प्रिगोजिन के अंदर मौत का डर समा गया है। प्रिगोजिन को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है कि अब वो बगावत कर चुका है और दुनिया को दिखाने के लिए भले ही पुतिन ने प्रिगोजिन को माफ करने का दिखावा किया हो और प्रिगोजिन के खिलाफ केस वापस ले लिए हैं, लेकिन असलियत ये है कि अब प्रिगोजिन के पीछे रूस के हिटमैन लग चुके हैं। जेलेंस्की की महत्वाकांक्षाओं ने कैसे यूक्रेन के लोगों को एक अंतहीन पीड़ा में धकेल दिया है, आप इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। ये डोनेस्क की तस्वीरें हैं जहां पुतिन की मिसाइलों ने कोहराम मचाते हुए कई घरों को जला दिया है।